फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ अद्वैत टेरेस गार्डनिंग में। ये सामने जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत कॉमन सी किचन हर्ब भी है ये, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला है। पुदीना है, ये मेरा 3 साल का पुदीना है। मैंने 3 छोटी छोटी कटिंग से, आप इसको मार्केट के से कटिंग ला के जो घर में आती हैं उससे लगा सकते हैं। तो आज मैं इसको रिपोर्ट कर रहा था, इतने बड़े प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ था ये, तो इसमें रिपोर्ट कर रहा था मैं। इसमें 3 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन पूरी कंप्लीट केयर होगी पुदीने की, A to Z। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई और वीडियो, मेरी कोशिश ये रहेगी कोई और वीडियो ना आपको देखना पड़े। तो मेरी पूरी इसमें कोशिश रहेगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दूँ। तो चलिए रिपोर्टिंग साथ साथ करते जाएंगे और सारी टिप्स भी आपको देता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुदीने का प्लांट आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं, किसी भी मीडियम में आप लगाइए। आप प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में लगा दीजिए। मेरे पास छोटे से मिठाई के डब्बे थे, उसमें भी लगा हुआ था, तो उसमें भी बहुत अच्छे से चला था, फिर वो हट गया। फिर अब ये इसमें मैंने किया, इसमें 3 साल हो गए, इसको सिर्फ मात्र 3 कटिंग से लाए थे। कटिंग का देखिए मतलब क्या है, जैसे ये कटिंग बाजार से आई, आप इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, इसको पानी में डाल के रख दीजिए 3 दिन, छोटी छोटी रूट्स आ जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, फिर आप उसे आराम से ट्रांसप्लांट करिए, लेकिन उसे छांव में रखिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता छांव में रखिएगा, फिर उसके बाद आप सन में लाइएगा। तो ये तो हो गया इसकी स्टार्टिंग का, कि किस तरीके से पुदीने को स्टार्ट करना है, किस तरीके से पुदीने का आपको अपने घर में प्रपोगेशन करना है। कोई भी थोड़ी हेल्दी कटिंग रखिएगा, ये फिर भी थोड़ी पतली कटिंग में बता रहा हूँ, मार्केट से जो कटिंग आती है मोटा पुदीना होता है, तो उसमें खाली ऊपर की 2 टिप्स रहने दीजिएगा, बाकी सब हटा दीजिएगा, और उसको पानी में डिप करके 5-6 कटिंग रखिएगा, क्योंकि 100% सक्सेसफुल नहीं होता। अब आ जाते हैं इसकी मिट्टी पे। ये देखिए आप मेरी मिट्टी देख रहे होंगे, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, 80% गार्डन सॉइल है, और इसमें 10% मैंने कंपोस्ट गोबर की खाद मिलाई, और उसमें 10% नीम खली और आपका बोन मील है, बस इतना सा सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा, इसमें इतना ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगेगा। आपको पीछे थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे आसपास घर बन रहा है, तो प्लीज़ मुझे पार्डन करिएगा कि आपको इतना शोर सुनाई दे रहा है। तो मिट्टी पे थे हम लोग, तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होगी, इतना इतना देखिए मैंने पॉट फिल किया, इतनी इतनी स्पेस खाली छोड़ी है, क्योंकि अब 2 रिक्वायरमेंट पुदीने की आपको बता दूं, कि सनलाइट और पानी की, इसको भरपूर धूप चाहिए। और लेकिन एक बात ये भी है, जैसे मई जून की जब टेम्परेचर, हम जैसे नॉर्थ इंडिया में है तो 45 डिग्रीज के अबव चला जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको बचा के रखना है, कि दोपहर में 12 से 3 की जो धूप होती है, उसमें अगर इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दिया जाए या कुछ ऐसे रख दिया जाए, तो उसमें फिर आपका ये अच्छे से बहुत चलता है, लेकिन इसको फुल सन चाहिए। और पानी, पुदीने को पानी भी बहुत एक्सटेंसिवली चाहिए, गर्मियों में तो रोज़ आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी इसमें, और मिस्टिंग कर देंगे एक बार तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये इसकी मिट्टी हो गई, इसका पानी हो गया, सन मैंने आपको बताया। मिट्टी में आप एक बार इसको खाद डाल देंगे, तो आपका फिर इसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ेगा। देखिए रूट बाउंड कंडीशन जो सब बोलते हैं ना, देखिए इसको रूट बाउंड कंडीशन बोलते हैं। देखिए अब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे चाहिए था कि मैं इसकी ये भी मिट्टी हटाता, लेकिन अब ये एक हार्डी स्टेम वाला प्लांट नहीं है, तो इसकी अगर हम मिट्टी निकालेंगे तो सारा प्लांट ये बिखर जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जैसे क्रोटन है, क्रोटन की हम सारी मिट्टी निकाल के इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, पेड़ बिखरेगा नहीं। लेकिन ये हमारा पुदीना है, इसकी कोई एक स्टेम नहीं होती, इसकी रनर्स के थ्रू ये फैलता है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, इसको निकालेंगे तो पूरा पुदीना फैल जाएगा। तो ये इसको ऐसे ही हम इसको रखेंगे, ये मेरी घर की मिट्टी है, देखिए सब रूट बाउंड हो गया ये पूरा, इसको ऐसे ही लेके मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा बस। इसमें थोड़ा सा नीचे स्पेस करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं हो रही है इतनी, और ये बहुत ऊंचाई पे है, तो ये इतनी इतनी हम इसमें स्पेस करेंगे, इसमें स्पेस इतनी इतनी करेंगे ताकि इतनी इतनी स्पेस हमारी हो जाए, और फिर इस स्पेस में हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे, और ये जो हमारी स्पेस रहेगी इसमें फिर ये बहुत अच्छे से चलेगा पुदीना। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इतना बड़ा कंटेनर हो या कुछ हो, मैंने आपको बताया अगर आपके अपार्टमेंट्स हैं या आप कहीं बालकनी में हैं,
या कहीं भी लगा रहे हैं, लेकिन धूप आनी चाहिए। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, मिठाई के डब्बे आते हैं उसमें लगा सकते हैं आप, या कोई प्लास्टिक के डिब्बे हैं छोटे, कुछ भी है आपके पास तो आप सब चीज़ों में इसको लगा सकते हैं, लेकिन बस इसको धूप देते रहिएगा। अब जैसे आजकल लोग इसको हैंगिंग बास्केट में भी बहुत लगा रहे हैं, तो आप, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोग को वो लग रहा होगा रिपीटेटिव है या ऐसा कुछ है, तो मैं देखिए हर हर किसी के पास अपना वो घर या स्पेस के कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद बहुत सा पुदीना ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स आती हैं उसमें आप छेद करके उसमें भी इसको लगा सकते हैं, तो ये हर कंडीशन में अच्छा चलता है। और आप जब इसको रिपॉट करें तो रिपॉट करने के बाद इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स मत रखिएगा। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रिपॉट कर रहा हूँ, तो सारी मिट्टी ऐसे करके दबा दीजिएगा हाथ से, तो आप हाथ से सारी मिट्टी दबा देंगे तो इसमें कोई भी एयर पॉकेट नहीं होगी और इसकी रूट रॉट का आपको कोई भी डर नहीं रहेगा। अब मैं आपको 2-3 महीने बाद इसका अपडेट एक बार आपको दिखाऊंगा कि ये जो इतनी स्पेस आप खाली देख रहे हैं, ये सारी स्पेस धीमे धीमे आपकी भर जाएगी। ये इतनी तेज़ी से और इतनी विग्रेसली फैलता है। और इसमें एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो आप इतनी ग्रोथ देख रहे हैं, ये ग्रोथ अभी बहुत ख़राब है, बहुत कम है। आप मेरे पास पुरानी पिक्स या वो सब नहीं है, वरना मैं आपको उससे आपको दिखाता। इसकी ग्रोथ करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है इसकी कटिंग करते रहना। घर में यूज़ होता ही है पुदीना, जैसे ये निकल रहा है तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से 2 नई शूट्स आएंगी। पूरे को जब आप कट करेंगे, अब मैं इसकी कटिंग करूँगा रिपोर्ट करने के 1-2 दिन बाद, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट शॉक में है, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो और शॉक में चला जाएगा। तो अभी इसकी कटिंग और प्रूनिंग कुछ भी नहीं करनी है, अभी हम खाली इसका वो करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, कटिंग और प्रूनिंग 1-2 दिन बाद करेंगे। तो ये ऊपर का जितना भी फोलिएज का ग्रोथ है, मैं सबकी कटिंग कर दूंगा, जितनी भी डेड ब्रांचेज हैं सब हटा दूंगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए इतनी नई नई ग्रोथ आ रही है, इसमें अच्छे से वाटरिंग देके ये ग्रोथ बिल्कुल नई ग्रोथ जब शुरू होगी तब ये पूरा गमला भर लेगा। तो बहुत छोटी सी केयर टिप्स है, और कोई इसमें फंगीसाइड मत छिड़किएगा, कोई भी दवाई मत छिड़किए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। सोप सोल्यूशन भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें कोई मेरे आज तक कोई पेस्ट लगा ही नहीं है कभी पुदीने में। अपने आप में ये हर्ब है तो इसमें कोई पेस्ट नहीं लगेगा। धूप में अच्छे से रखिएगा, पानी अच्छे से दीजिएगा, लेकिन जब सॉइल ड्राई हो, सॉगी सॉइल नहीं करनी। सॉगी का मतलब कीचड़ नुमा मिट्टी, वो मिट्टी नहीं करनी है आपको। वो करेंगे तो प्लांट डेफिनेटली इसमें रूट रॉट हो जाएगा। अगर और मई जून में कोई खाद नहीं देनी, आपको लगता है ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, तो मार्च में होली के आसपास आप इसमें चाहें तो फिर 2 मुट्ठी गोबर की खाद या कंपोस्ट दे दीजिएगा। उसके अलावा मई जून में कोई भी खाद मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं और इनकी शैलो रूट्स होती हैं, ये सब जल जाएंगी रूट्स। और गोबर की भी बहुत सड़ी हुई खाद दीजिएगा आपको, और बीच बीच में जो वीट्स आती रहती हैं वो सब आते रहते हैं, उसको हटा दीजिएगा, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। बस ये एक शॉर्ट सी आपको टिप देनी थी। सन का ध्यान रखिएगा। एक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सन का, पानी का, गमला कोई भी ले सकते हैं और किसी भी साइज़ का हो सकता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता रहेगा उस हिसाब से गमला आप चेंज कर लीजिएगा। और इसकी जितनी कटिंग करेंगे, कटिंग साइड से पत्तियाँ नहीं तोड़नी है, ऊपर से टिप तोड़नी है। जितनी पत्तियाँ तोड़ेंगे उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और इसको बाजार से ला के लगा लीजिएगा, कोई इसमें ज़ीरो कॉस्ट प्लांट है ये आपका, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट प्लांट और घर का शुद्ध साफ आपको मिलेगा। तो बस इतना मुझे आपको समझाना था, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।